أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،

अजीम शान एहसान अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान हम पर ये है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी नेमत हमको अता फ़रमाई और इस्लाम के पहुँचाने के लिए एक ऐसे रसूल को चुना और हमारी तरफ़ मबूस किया जो सारे रसूलों के सरदार हैं जिनका कौल और उनका अमल हमारे लिए हिदायत और रसुआ है अल्लाह के रसूल वसल्लम को अरब और अजम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा और क़ियामत तक के लिए रसूल बनाकर भेजा आपको सारे नबियों का ख़ातम और ख़ातिम बनाया आप पर नबियों के आने के सिलसिले को ख़त्म कर दिया और सारी इंसानियत के लिए इस बात को लाजिम कर दिया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम की तलीमत को अपनाएं, आपके उसवा के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें ताकि आख़रत में कामयाब हों और दुनिया में भी उन्हें से नसीब हो ये हमारे लिए एक शर्फ़ की बात है और ये शुक्र का मकाम है कि हमें अल्लाह रब्लम ने इस उम्मत में पैदा किया जो खैर उम्मत है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने का मौका हमको दिया और आप का उम्मती बनकर आपके लाए हुए तरीक़े आपकी सुन्नत पर चलने की तौफीक हमको दी है बल्कि ये भी एक शर्फ़ है कि आज हम इस दीनी मजलिस में जमा हैं जिसमें रसूल अक्रम सवाइल आपके उसाफ़ आपकी खसूसियात और आपकी शान बयान कर रहे हैं और सुन रहे हैं ये भी खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा शर्फ है और अल्लाह की तोफ़ी के बग़ैर ये नहीं हो सकता है पिछले दर्स में हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम की बहुत सारी ख़ूबियाँ फ़दाइल और आपके खसायस देखे वो चीज़ें जो अल्लाह ताली ने आप ही को अता कें किसी और को नहीं नबियों को मख्तलफ मोजात मख्तलिफ़ सिफ़ात और सलाहियतें अल्लाह ने दी लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम को बाज़ ऐसी चीज़ें दी जो किसी और को नहीं दी आपका ये इख्तिसास है या आपके साथ ख़ास है और इन्हीं में से एक चीज़ क़र्न करीम का अता किया जाना है ऐसी किताब जो सारी किताबों के ऊपर महमिन है उन तमाम किताबों की तलीमत को अपने अंदर शामिल करने वाली और उन पर फ़ैसला करने वाली उनमें से जो तलीमत आज के लिए नहीं हैं उनको मनसूख करने वाली एक ऐसी किताब जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है पिछली किताबें उन उम्मतों की तरफ़ उसकी ज़िम्मेदारी डाली जाती थी कि वो उस किताब की हिफाज़त करें तौरात इंजील जबूर लेकिन क़ुरान करीम की हफ़ाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है और क़ियामत तक के इस किताब की बका का वायदा अल्लाह ताला ने ऐलान अल्लाह ताला ने कर दिया है एक ऐसी किताब जो नूर है और लोगों के लिए रहनुमाई है ये किताब अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी वसल्लम को दी और आपके ज़रिए हमें ये किताब अता की एक मज़जा जो हर मुसलमान के पास है अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाता है يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سوره يونس ayat نمبر 57 58 इन आयतों में दो आयतों में अल्लाह रब् العالمین ने कुरान करीम के मुख़्तलिफ औसाफ बयान किए हैं और अहल ईमान को क़ुरान की कदर बताई है दुनिया की नमतों के मुकाबले में क़ुरान का क्या मक़ाम है और क्या होना चाहिए अल्लाह ताली ने इस बात को इस आयत में इन दो आयतों में बयान किया है अल्लाह ताली फरमाता है या यूहन्नास ए लोगो मालूम हुआ कि क़ुरान का खिताब किसी ख़ास कौम के साथ नहीं किसी ख़ास दौर के साथ नहीं बल्कि सारी इंसानियत इसकी मुखातब है या युन्नास कद जात को मौज़ा तुम रब को तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मोइत आ चुकी है वाज व नसीहत आ चुकी है मददा उसको कहते हैं कि एक इंसान को उसके अनजाम से ख़बरदार किया जाए डराते हुए तम भी उसको हो ताकि बेदारी में वो सोया हुआ बेदार हो जाए जो आदमी गफलत की नींद सोया हुआ है वह जाग जाए हड़बड़ा के उठ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ तो क़ुरान एक इंसान को इस तरह से बेदार करता है वाज़ व नसीहत के ज़रिए उसके दिल में खौफ और अपने अंज़ाम की फ़िक्र पैदा करता है कहा कि कदजा अत को मौदा तुम रब को तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए वाज़ व नसीहत आ चुकी व शिफा उलिमाफूर और जो सीनों में बीमारियाँ होती हैं उनके लिए शिफा आ गई उन बीमारियों का इलाज आ गया उनकी दवा आ गई वह हदम व रमतुलमुमी और ये किताब हिदायत है और रहमत है ईमान वालों के लिए चार वस्फ़ यहाँ पर बयान किए गए लोगों के लिए आम तौर से इसको बताया गया सारे इंसानों से खिताब किया गया ए लोगों तुम्हारे पास वाज व नसीहत और दिलों की बीमारियों का इलाज आ गया लेकिन ईमान वाले जो अल्लाह की बात पर यकीन रखते हैं अल्लाह की बात मानते हैं रसूल के ताबे होकर चलते हैं इनके लिए इसमें मज़ीद और बात है क्योंकि वो तो बेदार हैं जो वाकई दिन पर चलने वाले हैं ये तो ख़ुद बेदार हैं वो तो तैयार हैं अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए बल्कि उस पर अमल भी करते हैं उनके लिए क्या है वह हुदम व रहमत जो लोग इस किताब पर ईमान लाते हैं रसूल की बातों पर ईमान लाते हैं उनके लिए ये किताब रहनुमाई है और रहमत है दुनिया में भी और आख़रत में भी इस किताब की रहनुमाई को कबूल करके वो दुनिया और आख़रत में अल्लाह ताला की रहमत के हकदार बनते हैं अंजाम के अतबार से लेकिन इस किताब को पढ़ते हैं तो ये किताब उनके लिए रहमत बन जाती है उनके लिए दिलों का सुकून बन जाती है दुनिया की परेशानियों में गम के अकात में परेशानी के अवात में मुसीबत के अकात में चाहे वो दुनियावी मुसीबतें हों चाहे वो सियासी मुसीबतें हों चाहे ख़ानदानी मुसीबतें हों चाहे दावत के मैदान में एक दाई के लिए मुसीबत हों जब क़ुरान वो पढ़ता है तो इस कुरान में उसके लिए तस्कीन का सामान है तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए लोगो तुम्हारे पास वाज़ व नसीहत आ गए इंसान को ज़रूरत है इंसान के कई मसाइल हैं एक आदमी बाजा गलत रास्ते पर चला जाता है गफलत में चला जाता है चाहे वो कुफ्र की वजह से हो या चाहे वो फिर फजूर की वजह से हो आख़रत को भूल जाता है अल्लाह को भूल जाता है ये क़ुरान वाज व नसीहत के ज़रिए उसको होश में लाता है ये वाज है एक ऐसी नसीहत जिससे इंसान बेदार हो जाए एक दो सीनों में कई बीमारियाँ होती हैं दिलों की कई बीमारियाँ हैं कुफ्र निफ़ाक, हसद तकब्र ख्वाहिश परस्ती और इस तरह के कई कई गुनाह और कई अयूब और कई बीमारियां हैं जिनकी जगह इंसान का दिल होती है और ये सारी बुराइयों की जड़ें हैं क्योंकि दिल्ली दिल 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 शुरू होती हैं मालूम है कि कुरान असल जड़ से इलाज करता है वो शिफा फिर सदूर दुनिया में जितने फिसको फिश्फजूर हैं दुनिया में जितने गुनाह हो रहे हैं जितना बिगाड़ है ये बिगाड़ इंसान की करतूत की वजह से है इंसान के अमाल का बिगाड़ है जलमो वग़ैरह और फिर उसके नतीजे में आजाब आ रहे हैं ये और एक मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से अजाब इंसान के आमाल के बिगाड़ का नतीजा है लेकिन इंसान के आमाल का बिगाड़ कहाँ से आता है उसके दिल के बिगाड़ की वजह से दिल बिगड़ता है, है अमल बिगड़ता है अमल बिगड़ता है हालात दुनिया के बिगड़ते हैं कुरान इस दिल की सतह पर इंसान का इलाज करता है उसके दिल की सलाह करता है ताकि दिल सुधर जाए तो आमाल भी सुधर जाए जब आमाल सुधर जाए तो फिर बंदा दुनिया में सही रास्ते पर चले अल्लाह की रहनुमाई में और दो दुनिया और आख़रत में अल्लाह ताला की रहमत का हकदार बने वो नजात याफ़्ता बन जाए वह फलाह पाने वाला बने तो इस अतबार से क़ुरान इंसान को बेदार करके उसका इलाज करके उसको रहनुमाई देकर उसको रहमत का हकदार बनाता है तो आप देखें अल्लाह ने क्या फ़रमाया लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाजो नसीहत आ गया और तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से शिफा आ गई जो सीनों की बीमारियों के लिए दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है और ईमान लाने वालों के लिए खसूस तौर पर ये रहनुमाई वो तो चलना चाहते हैं कहाँ जाएँ हम बताइए कौन सा रास्ता सही है तो ये कुरान उनकी रहनुमाई करता है रसूल के दुनिया से जाने के बाद भी हाँ रसूल की तालीमान से मुस्तगनी होकर कुरान नहीं पढ़ सकते हैं कुरान करीम असल मतन है और रसूल अक्रम सम की अहादीस आपकी सुन्नत आपकी तलीमत उसकी शराहें उसकी तशरी हैं उसका एक्सप्लेशन है प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है तो ये कुरान रहनुमाई करता है ईमान वालों की जो मानता नहीं उसकी क्या रहनुमाई करें जो आना ही नहीं चाहता पीछे चलना ही नहीं चाहता उस रास्ते पर चलना ही चाहता जो कुरान का बताया हुआ है वो कुरान को अपने लिए रहनमाई नहीं बना रहा है हालाँकि कुरान उसके लिए भी आया है और ये रहमत का ज़रिया है इसके पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह से क़ुरब पैदा होता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और इसी तरह से आखरत में भी अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है आगे अल्लाह ने क्या फ़रमाया ये सबको सब कुछ बताने के बाद अल्लाह ने एक और बात कही अल्लाह ने फरमाया कुल बेफ़ल लाही वहमत ही फ़बीदा ए नबी आप कहिए इन लोगों से आप बताइए लोगों को बेफ़ली व रहमत ही इस क़ुरान का दिया जाना अल्लाह के फ़ल और उसकी रहमत का नतीजा है ये अल्लाह का फ़ल् है अल्लाह की रहमत है कि उसने तुमको कुरान दिया है फ़बी दली का फल फ्राहू इस क़ुरान के पाने पर तुम खुश हो जाओ फबीदली का फल फ्राहू अल्लाह की इस रहमत पर उसके फ़ल पर उसके कुरान देने पर तुम्हें चाहिए कि तुम खुश हो जाओ मालूम है कि कुरान का पाना ये मुसलमान के लिए ख़ुशी का ज़रिया होता है कि अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त किताब दी हमको ऐसी आला और उम्दा तालीमत अल्लाह ने हमको दी ऐसा बेहतरीन कलाम हमको दिया कि जो पढ़ते ही दिलों को छू जाता है अगर आदमी उसको समझे और उसकी तलीमत इंसान के दिलों पर असरअंदाज होती है फबिदा लिखा फल होम ये कुरान उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनके जमा करने में लोग लगे हैं यह क़ुरान उन तमाम दुनिया के साजो सामान से प्रॉपर्टी पैसा जेवरात दुनिया के ओहदे, शोहरत और सब कुछ खाने पीने मोटर गाड़ी बंगले सब कुछ वम आजमाउन ये हुकूमतों से बेहतर है यह क़ुरआन बादशाही से बेहतर है व खैर उम बादशाह बन जाए हुकूमत मिल गई कुछ भी नहीं मिला उसको कुरान मिला सब कुछ मिला उसको वह ख़ैर उम आजमा दुनिया के सारे ख़जाने घटिया हैं कुरान के मुकाबले में ये मुसलमान को याद रहना चाहिए मेरे पास ये नहीं है मेरे पास घर नहीं है मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं मेरे पास पैसा नहीं है बैंक बैलेंस नहीं है मेरे पास अच्छा जॉब नहीं, अच्छा नहीं मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं मेरे पास अच्छा खाना नहीं मेरे पास फलाँ चीज़ नहीं कभी ये सोचा है कि उन लोगों के पास जिनको मैं देख कर ललचा रहा हूँ उनके पास कुरान नहीं है मेरे पास कुरान है मेरे पास रब का कलाम है मेरे पास रब का पैगाम है इस पर खुशी नहीं हो रही है और दुनिया की दूसरी चीज़ें लोगों को मिली उसके ऊपर ललचा रहा है और ये सोच रहा है कि काश के मेरे पास ये होता तेरे पास वो है जिसके ज़रिए तू आख़रत के सारे ख़जाने जन्नत की नेमतें पा सकता है इससे आला नेमतें तो इसके ज़रिए पा सकता है कभी तेरे दिल में बात नहीं आती है कि दुनिया की घटिया नेमतें उस पर मैं देख रहा हूँ कि उनको मिली मुझको नहीं मुझको एक ऐसी नेमत मिली है क़ुरान इसके ज़रिए अगर मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया इसके अक़ीदे और इसके अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो इसके ज़रिए मैं इन लोगों की नेमतों से कई गुना बेहतर और बाकी रहने वाली नेमतें पा सकता हूँ हमेशा के लिए हमेशा के लिए कितनी बड़ी बात है इसीलिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया ओ अकेजमा ये बेहतर है उन तमाम चीज़ों से जिसको लोग जमा करने में लगे हुए हैं तुमको ऐसे ही मिल गया ये अल्लाह ने आता किया इस पर शुक्र होना चाहिए जब भी दिल में किसी इंसान के आए कि मेरे पास फलां चीज़ नहीं है फला चीज़ नहीं है एक मोमिन को सोचना चाहिए मेरे पास कुरान है मेरे पास क़ुरान है अल्लाह का कलाम है अल्लाह ने बरा रास मुझसे ख़िताब किया उसमें अल्लाह ने ईमान वालों से ख़िताब किया है अल्लाह ने अपने बंदों से खिताब किया मेरे पास अल्लाह का पैग़ाम है मेरे पास अल्लाह की रहनुमाई है मेरे पास अल्लाह की तस्कीन है मेरे पास अल्लाह की वाज़ व नसीहत है मेरे पास जन्नत में जाने का नक्शा है जन्नत तक पहुँचने का रास्ता मेरे पास है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको तो कहा कि हुआ ख़ैर उमाजमा ये किताब किसको दी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़रिए हमको ये बहुत बड़ा शर्फ है अल्लाह का कि दुनिया के, के खजानों से बढ़ के अल्लाह ने किताब हमको दी है ऐसी किताब कि जिसकी नज़ीर कोई ला नहीं सकता जिस जैसी किताब कोई पेश नहीं कर सकता ऐसा कलाम इंसान के बस में नहीं कि वो पेश कर सके न सिर्फ ये कि ये दावा है ये हिस्टोरिकल एविडेंस है ये आयत अपनी ज़ात में खुद दलील है अल्लाह ने कर्न करीम सूरत इसरा आयत नंबर अठासी और इस तरह की कई आयतें जिसमें आयत सूरत और का बाज हिस्सा पेश करने का लोगों को चैलेंज किया गया अल्लाह ने फ़रमाया कुलजन तु अल क़ुरान ला या तो नबी मिसली ही कहा कि ए नबी आप ऐलान कर दीजिए कहिए अगर लिनजमतिनस जिन सारे इंसान और सारे जिन्नात अगर जमा हो जाए मतहद हो जाए प्रैक्टिकली जमा हो जाएँ अला कुरान किस चीज़ पर जमा हो जाएं इस चीज़ पर जमा हो जाएं और सारी अपनी सलाहियतें लगा दें जमा होकर कोई एक नहीं सब मिल के क्या अलामित लिहाद क्रन इस कुरान की तरह कोई और कलाम ले आएँ इस कुरान की तरह कोई और किताब ले आएँ ला यातू नबी मथली ही नहीं ला सकेंगे वो लोग कभी ला तू नबी मथली ही वो इस तरह का कलाम कभी पेश नहीं कर पाएंगे वलव का न बेदो हम लब वही चाहे उनमें से एक दूसरे का मददगार क्यों ना बन जाए उनमें से बाज बाज़ की मदद करने लग जाएँ किसी एक पर जिम्मेदारी न डाली जाए मीटिंग करके तुम बनाओ सब कहें ठीक है हम सब मिलके बनाते हैं सब मिलके के अक्ल दौड़ाते हैं सलाहियतें अपनी लगा देते हैं इल्मी सलाहियतें सारी सलाहियतें, कलाम की सलाहियतें सब मिलकर भी कुरान की तरह कलाम पेश नहीं कर सकते इंसान इंसान भी और जिन्नात भी लिटरेचर में इंसानी लिटरेचर में ऐसा कुछ नहीं जो कुरान के बराबर हो सके कुरान अल्लाह का कलाम है वो इंसान का नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ कलाम नहीं है कि आपने बैठ के कुछ लिख दिया नहीं वो अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम है अल्लाह का दिया हुआ कलाम है वो अल्लाह की किताब है वो इंसान का कलाम नहीं है वो अल्लाह ने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपने लोगों के सामने उसको पेश किया अल्लाह का कलाम है मेरा नहीं तो ये इतनी बड़ी किताब है कि अल्लाह ने चैलेंज किया और कहा कि अगर सब जमा हो जाएँ इस कुरान की तरह कोई किताब लाने के लिए नहीं कर सकते और तारीख़ में ऐसा कई मरतबा हुआ लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए कुरान जैसा कलाम नहीं ला पाए कुछ सालों पहले कुछ ईसाइयों ने भी इस तरह की कोशिश की थी किताबुल फुरकान नाम से एक किताब उन्होंने इंजील को वैसा जो उनके पास जो न्यू टेस्टमेंट है उसको उन्होंने वैसा बनाने की कोशिश की और हमने देखा है उसको पढ़ा है उसको उसमें बहुत सारा तो कॉपी पेस्ट है कुरान ही का अंदाज़ कुरान की बल्कि मुस्तकिल आयतें उसमें ली गई हैं इन टुकड़े कुरान के उसमें लिए गए जो कुरान ही में मौजूद किसी और किताब में नहीं है और उसको वैसा कर लेकिन जो आदमी अरबी ज़ुबान जानता है बल्कि जो नई भी जानता है अगर दोनों अलग अलग पढ़ी जाए वो फ़ौर कहेगा ये जमरा नहीं है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर वो दम नहीं है इसके अंदर जो लजत और हलावत कुरान में है उसमें नहीं है वाह कोई भी आदमी जो अरबी जानता है वो तो पक्का जानेगा लेकिन जो नहीं भी जानता अरबी वो जब उसको सुनेगा और कुरान को सुनेगा वो वाकई उसका फ़र्क कर सकता है कि ये नहीं ये कुछ और ही है ये ज़बरदस्त लग रहा है ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है सिर्फ सुनने के अतबार से अच्छा लग रहा है मानी के अतबार से तो और भी ज़्यादा अच्छा है कलाम भी अच्छा है उसके मानी भी अच्छे हैं तो ये जो चीज़ है ये ईसाइयों ने किया ट्राई इसको ये हिस्टोरिकल एविडेंस है ट्राई किए ना फेल हुए पास नहीं हो पाए अगर पास हो जाते पूरी दुनिया में उसी को फैला देते वो रिजेक्टेड हो गया एकदम वो देख के समझ में आ रहा है कि कौन लोग बनाए भैया क्योंकि खाम क्यों अपने आप को जलील किए क्यों बेइज्जत किए अपने आप को नहीं करते कम से कम इज्जत बची रहती करके साबित कर दिया कि वाकई कुरान की बात सही है कुरान का जवाब पेश करने की कोशिश में कुरान को एक मुनफरिद किताब साबित कर दिया कुरान का जवाब और क़ुरान के दावे को गलत साबित करने की कोशिश में क़ुरान के दावे को सही साबित कर दिया कि तेरा प्रोडक्ट ऐसा है तेरा आउटपुट ऐसा है कि बिल्कुल नहीं जम रहा है वो सही नहीं है वो इंसानी कलाम है और ऐसे इंसान का कलाम है जिसको वाकई बोलना नहीं आता है तो ये बात है कुरान की जो लोग जानते हैं इसको उनको मालूम है तो कुरआन करीम की तरह कोई किताब पेश नहीं की जा सकती ये किताब अल्लाह ने हमको दी है प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम को अता की और आप के ज़रिए हमको दिए कितनी कदर होना चाहिए इस किताब की कितनी महब्बत होना चाहिए क़ुरान से कितनी महब्बत होना चाहिए दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़ के हमारे घर में कुरआन का शौक़ और उससे ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए एक एक सूरत कितनी अजीम है छोटी छोटी क़ुलू अल्लाह आहद की जैसी सूरत कोई दे सकता है इतनी मुख्तसर इसमें अल्लाह का तारफ़ कुर्सी जैसी कोई आयत पेश कर सकता है कोई कलाम पेश कर सकता है अल्लाह के बारे में सूरत फ्फाहा जैसी तरीन सूरत कोई दे ऐसा कोई कलाम दे सकता है इकराबस में रबिक लदी खलक जो पहली वही है कोई दे सकता है ऐसी चीज़ इंसान के बस की चीज़ है वो नहीं है और पूरा क़ुरान आप पढ़ जाइए देखिए कोई आदमी मस लिखता है किताब शुरू की किताब उसकी देखिए जब वो नया नया लिखना शुरू किया है अब सोची कभी इसको अब वक्त निकल जाएगा ये एक ही नुकता हमारा बढ़ जाएगा कोई आदमी ऑथर होता है वो शुरू शुरू में लिखता है आर्टिकल्स लिखता है न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में किताबें कुछ लिखता है बढ़ते 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 एक उम्र का हिस्सा हो जाता है बीस तीस साल तक जब वो लिखता है उसके लिखने में एक फ़र्क महसूस होता है क्योंकि वो इवॉल्व होता है उसका इल्म बढ़ता है उसकी अक्ल बढ़ती है उसके कलाम में लिखने का अंदाज़ और सलासत उसको चैम्पियन बन जाता है उस चीज़ का लेकिन वही आदमी अगर पिछला कलाम अपना देखे तो, तो क्या लिख दिया था ये डिलीट कर दो ये किताब तबाह मत करो शायद मत करो इसमें बहुत कमियाँ हैं तो आप देखिए कि उसको ख़ुद महसूस होता है पढ़ने वालों को महसूस होता है ये और ये फ़र्क है इसमें लेकिन क़ुरान आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाइए कहीं भी आपको इस तरह का मामला दिखाई नहीं देगा कहीं कुरान में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ठीक नहीं ये ठीक। पूरा कुरान एकदम बराबर ऊपर से कुछ कलाम आया है उसके अंदर वही अज़मत है उसके अंदर वही क़वत है उसके अंदर वही यानी अपने ज़माने से आज़ादी है क्योंकि इंसान जो है अपने ज़माने के अंदर मुतासर होता है ख़ुशी के हालात ग़म के हालात और इस तरह के जो भी हालात सियासी हालात परेशानियाँ ज़ाती ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती इंसान की बातों में महसूस होती दोस्त बोलते क्या बात है आज तेरी बात में वो बात नहीं है मतलब मुड़नी तेरा सही लग रहा है तकरीर करने वाला भी महसूस होता है कि भाई क्या है आपकी तकरीर में फ़र्क लग रहा है कोई टेंशन तो नहीं है आपको आदमी की बात में असर महसूस होता है उसके हालात का कुरान आप पढ़िए शुरू से आखिर तक आप पढ़िए ऐसे हालात में आयतें नाजिल हो रही जिसमें रसूल परेशान है लेकिन आयतों में उसका असर कहीं नहीं है क्यों ये अल्लाह का कलाम है क़ुरान खुद दलील है कि वो अल्लाह की किताब है कितना उस पर बोला जाए जो आदमी वाकई कुरान पढ़ता वा है उसको महसूस होता है कुरान खुद एक दलील है इस बात की कि ये अल्लाह का कलाम है इसको ख़ारजी दलाइल की हाजत नहीं है इसको सपोर्टिव एविडेंस की ज़रूरत नहीं वो ख़ुद अपनी ज़ात में एक दलील है तो ये ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमको दी है जो जिसकी क़दर करना वाजिब है हम पर लाजिम है फ़र्ज़ है हमारे ऊपर अगर आदमी इसकी क़दर नहीं करता महरूम आदमी बदकस्मत आदमी दुनिया में वीर उम्मिमा अजमा अल्लाह ने दुनिया के सारे ख़ज़ानों से बढ़ गई किताब है जमा कर रहे कर रहे उनको तुम इस किताब को अपने दिल में जमा करो तुम इस किताब को सीखो इसके मानी समझो इसके इसके मफाहिम को हासिल करो तो ये ये बहुत बड़ी किताब है इसलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं ला सकते इस जैसी कोई किताब इसका कोई बदल नहीं है इसका कोई सब्सिट्यूट अल्टरनेटिव नहीं है यही हमारे लिए हल है यही हमारे लिए हल है और कोई फिलॉसफी और हमारे लिए कोई नया कोई ज़रूरत नहीं है हमको यही हमारे लिए काफ़ी है लायातून अभी मितली ही बेहतरीन से बेहतरीन तुम बना लो कुछ सल्यूशन इंसान के लिए क़ुरान के हल से बेहतर कोई हल नहीं ला सकते लाया तो नबि मथली हर एबार से न सिर्फ कलाम के अतबार से बल्कि उस कलाम में जो बातें हैं उसके जो तकाज़े हैं और उसका उस कलाम में जो सिखाया गया है उसका कोई बदल नहीं ला सकते तुम लोग उससे अच्छा उसके बराबर कुछ और नहीं ला सकते पैरल उसके कुछ ला नहीं सकते तो ये कलाम इतना आला है ये अल्लाह का दिया हुआ कलाम इंसान का बनाया हुआ नहीं जो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ होती हैं अल्लाह ने फ़रमाया अल्लाह के नबी सल्लास्म कुरान के बारे में फ़रमाते हैं मा मिनबियाई मिन नबीन अदिया मिन अयास मा मिसलू आ मनाबर जितने भी नबी आए उन नबियों में से हर एक को कुछ ऐसी निशानियाँ मजात दिए जाते थे जिन्हें देख कर लोग उन पर ईमान लाते थे मो ईमान लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अजायबा थे लोग देख कर उसको ईमान लाते कि आम इंसान के बस की बात नहीं ज़रूर ज़रूरी अल्लाह का भेजा हुआ नबी होगा तो इन्हें यकीन हो जाता था उन मो की वजह से व इन ऊती तो मुझे जो दिया गया है वो वही है जो अल्लाह ने मेरी तरफ़ इल्का की है पिछले नबियों को मूसा सलाम को आशा दिया गया फ़लाँ नबी को फ़लाँ चीज़ दी गई मुख्तलिफ़ अम्बिया को ईसी सलाम को लोगों की बीमारियों का इलाज करने की इस सलाहियत दी गई अल्लाह के इज़्न से तो ये सारी चीज़ें पिछले नबियों को मुख्तलिफ मुज़ाद दिए गए महमद्लाम को अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ क्या आता फ़रमाई कि आपकी नबोत की निशानी बन जाए आपने फ़रमाया वी ऊती तो वाहन अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो वही है जो अल्लाह ने मेरी तरफ़ इल्का की है अन फर्जुअस ताब अन् उमल़याम इसलिए मुझे उम्मीद है कि कि़यामत के दिन सारे नबियों में सबसे ज़्यादा इतबा करने वाले मेरे ही होंगे उम्मती मेरे ही होंगे सबसे ज़्यादा पैरवी करने वाले अगर कोई किसी के होंगे वो मेरे ही होंगे क्यों इसलिए कि ये मजा क़ियामत तक बाकी रहेगा मूसा आलम थे आसा था वो गए ऐसा गया अब कोई और आशा इस्तेमाल करता था ऐसा मूसा आई सलाम का नहीं इसी तरह से दूसरे अम्बिया के अम्बिया के मोजात हैं नबियों के साथ वो चले गए वो नबियों को दिए गए थे लेकिन कुरान कुरान अल्लाह मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम को अता किया लेकिन आपने अपने बाद उसको हमारे लिए छोड़ा रसूल अक्रम को दिया गया मुजज़ा आज हर मुसलमान के घर में और उसके सीने में है ये ये ऐसा कुरान है इतनी बड़ी चीज़ है इसको इमाम अबारी और मुस्लिम ने रिवायत किया अल्फाज मुस्लिम के इससे मालूम होता है कि रसूल अक्रम सम ने बताया ये कुरान है मैं उम्मीद करता हूँ मुझे उम्मीद है कि कियामत के दिन मेरी इत करने वाले सबसे ज़्यादा होंगे क्यों इसलिए कि मेरे बाद ये बाकी रहेगा रहेगामत तक रहेगा और लोग इसको पढ़ पढ़ के ईमान लाएंगे और आप और मैं इसके गवाह हैं कितने लोग नबी अलैहि वसल्लम से मिले नहीं लेकिन आज भी इस्लाम के मीडिया पूरी ताकत लगा के इस्लाम को बदनाम करने में पूरा सब कुछ खर्च कर रहा है लेकिन फिर भी आज लोग मुसलमान हो रहे हैं मर्द भी मुसलमान हो रहे औरतें भी मुसलमान हो रही क्या कर रहे हैं वो लोग इस्लाम के बारे में मीडिया लोगों को बता इस्लाम बुरा कुरान में ऐसा है कुरान बहुत ख़तरनाक किताब है ऐसा है क्या ठीक है लाइब्रेरी में जाएंगे कहीं बुक शॉप में जाएंगे या इंटरनेट पे जाएंगे कुरान देखेंगे देखेंगे तो सही क्या है इसके अंदर ऐसी क्या भयानक किताब है ये पढ़ने के बाद उनको महसूस होता है ये तो मेरे कई सवाल के जवाब देने वाली किताब है मैं ज़िंदगी भर परेशान रहा जिस चीज़ के लिए उसका जवाब इसमें है और कितने लोग रो देते हैं कितने लोगों को लगता है कि ये इसी की तलाश में मैं ज़िंदगी भर भटकता रहा और ये मेरी अपनी शेल्फ में रखी हुई किताब थी मैंने कभी पढ़ा नहीं इसको ये समझ के कि यह ख़तरनाक किताब है अब पढ़ने के बाद ईमान ईमानदाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये मुजज़ा बाकी है कि कोई आदमी उसको लेके पढ़ता है तो वो ईमान का ज़रिया बन जाता है इसलिए आपने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इतबा करने वाले क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा होंगे उम्मती मेरे ज़्यादा होंगी क्यों ये बाकी रहेगा रहेगामत तक इसका असर चलता रहेगा इसका कुरान का असर दिलों पर होता रहेगा इसकी क़दर हमको करना चाहिए अपने घरों में हमको पढ़ना चाहिए अपने बच्चों को हमको कुरान पढ़ाना चाहिए अपने माहौल में हमको लोगों को कुरान से जोड़ना चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है इसका अहतमाम हो हाँ ये ना हो कि हम अक़ल से कुरान को समझाएँ सुन्नत से और सलफ़ के फहम से इसको समझाना चाहिए नहीं कि अपनी अक़ल से फलसफे अपने बयान करें और पढ़ें कुरान की आयतें तो ये पंद्रहवीं चीज़ थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ायल में से और आपकी खसूसियात में से है नंबर सोलह इस कुरान ही के बारे में एक और बात अल्लाह ने जो कही और जो खसाइश में से है वो ये कि आपकी किताब कयामत तक बाकी रहेगी ये भी एक अजीब चीज़ है पिछले नबियों की किताबें उनमें तहरीफ कर दी गई लोगों ने अपनी तरफ़ से लिख दिया अल्लाह ने क़ुरान करीम में ख़ुद फ़रमाया फ़वैल यल किताब बम सोमून दमन दिल्लायशतरुब ही सलीला तो बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपने ही हाथों किताबें लिख कर घड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है यु हर रिफूनलकली मे ही यहूद के बारे में कहा वो बातों को अपनी जगहों से बदल देते हैं चाहे कलाम के अतबार से हो या किताबत के अतबार से हो तो यहूद अहल किताब किताबों में तब्दील कर दिए उन लोगों ने और आज इस पर शाहिद हैं जो हिस्टोरियंस हैं और जो मैनस्क्रिप्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो खुद बता रहे हैं इस बात को कि तौरात और इंजील के नुस्खे इतने ज़्यादा हैं उसके अंदर तब्दीलियाँ बहुत हो चुकी है बड़े बड़े पैसेज़ ग़ायब हैं इसमें से और कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनऑथेंटिक बताकर गैर गैरमातवर बता के निकाल दी गई स्कॉलर्स ने निकाल दिया उसमें से उसकी तफसील का वक्त नहीं है क़ुरान क़ुरान चूँ का तू आज भी बाकी है कुरान की हिफाजत का ख़ुद अल्लाह रबालमी ने ज़िम्मा दिया है अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में इन् नज़ल न विक्रा व इन्ना लहू लिगून इस ज़िक्र को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं अल हिज़र आयत नंबर नौ इस कुरान को ज़िक्र को ज़िक्र क्यों कुरान ज़िक्र है इन हुआ इल्ला लिल आलमीन। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये सारे आलमीन के लिए ज़िक्र है ज़िक्र या दहानी रिमाइंडर कि जो आदमी भूल गया अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने रब को भूल गया सीधे रास्ते पर चलने को भूल गया आख़रत को भूल गया कुरान उसको याद दिलाता है उसको बेदार करता है उसके लिए नसीहत है क़ुरान तो याद दहानी है ये तो अल्लाह ने फरमाया इस याद दहानी को यानी कुरान को हमने ही नाजिल किया है ए नहनु नख ज़िक्र कुरान में लाने फरमायाद वर्न दि ज़िक्र सौद कुरान की कसम जो ज़िक्र वाला है नसीहत वाला है याद दहानी वाला है व इन दून और हम ही इसके मुहाफ़ हैं तो अल्लाह ताला ने क़ुरान की हिफाजत की नस्बत अपनी तरफ की उम्मत के हवाले नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मा लिया उम्मत ज़रिया है इस हिफाजत का सौंपा नहीं गया कि तुम हिफाजत करो अब तुम्हारे ज़िम्मे हैं नहीं अल्लाह ने अपने ही ज़िम्मे लिया अब कैसी हिफाजत करेगा अल्लाह ताली लोगों के लिए याद करना आसान कर देगा इतने सारे हफाज इतने मदारिस और ये सब इसबाब अल्लाह बराबर अल्लाह जमा करेगा और फिर प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना पहले नहीं था हमारे दौर में कैसा आया ये आप सोचिए पिछले ज़मानों में कागज़ लिखना ये वो सब नहीं था इतने ज़मानों में नहीं हो सका ऐसा क्यों हुआ कि इसी उम्मत के दौर में ये हो सका और फिर प्रिंटिंग प्रेस तो छोड़िए अब तो डिजिटल तो पूरी दुनिया में आज जो है डेटा हिफाजत करना कितना इजी हो गया है तो अल्लाह ताला ने ये सारा इंतज़ाम इंसानों के लिए किया ताकि लोग कुरान को पा सकें अब उसमें तहरीफ नहीं हो सकती इतने हफाज इतने इतने नुस्खे क़ुरान के आप देखिए सऊदी हुकूमत के ज़रिए पूरी दुनिया में कितने नुस्खे तकसीम किए जाते कोई हैज़ की मिसाल नज़ीर हैज़ की कोई इतने नुस्खे इतना प्रिंटिंग होता है उसमें इतने क़ुरान के नुस्खे तो ये हिफाजत का ज़िम्मा किसने किया अल्लाह ने खुद लिया है और बंदों से अल्लाह करवाएगा इसको और क़ियामत कुरान रहेगा फिर उठा लिया जाएगा तो ये कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है जब तक बंदों को इसकी ज़रूरत रहेगी वो बाकी रहेगा बल्कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पिछले दर्स में पढ़ा था कि आप उम्मीद थे पढ़े लिखे नहीं थे ये खुद अपनी ज़ात में एक अजीब बात है कि उम्मी होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को जमा के इतनी बड़ी किताब हम पढ़े लिखे होने के बावजूद हमको याद करना कितना मुश्किल होता है बार बार उसमें हम हमें आयतें भुला दी जाती हैं लेकिन यानी हम कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं फिर याद हो पाती हैं वापस से रिविज़न उसका करना पड़ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वम्मी देख के पढ़ने वाले भी नहीं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान क्या होता था याद हो जाता था अल्लाह ताला ने कुरान करी में ये भी बयान किया है इन कुरान की हिफाज़त में ये भी है कि आपके सीने में जमा कर दिया जाएगा अल्लाह ने फरमाया इन न जम कुरान ए नबी आपके सीने में इसको जमा कर देना और आपसे पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है आपको दिल में याद हो जाएगा बैठ जाएगा आपके दिल में करार पकड़ेगा कुरान रहेगा ज़ायल नहीं होगा ज़ाय नहीं होगा और इसका लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका सही ढंग से उनको पढ़वाना आपको पढ़वाना ये भी हमारे जिम्मे है आप याद भी कर लोगे पढ़ोगे भी सही फ़दा कर फत तब क़ुरआना लिहाजा जब हम कुरान पढ़ें तो आप चुपचाप कुरान को सुनते रहिए यानी जबरील जब कुरान पढ़ें जबरील अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ रहे अल्लाह की तरफ़ से पढ़ रहे हैं इसलिए अल्लाह ने जमा का सहगा इस्तेमाल किया जब हम पढ़ें फ़ इदा करा ना हूँ फ़त् तब कुराना तो आप चुप खामोशी के साथ ध्यान से कुरान को सुनते रहिए जबरील को पढ़ने दीजिए आप उनके साथ साथ मत पढ़िए डर के कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ आज हम लोग जैसे कोई नंबर हमको बताता है हम क्या करते हैं डबल नाइन डबल टू हम भी उसके पीछे डबल नाइन डबल टू तो हम उसके पीछे पीछे बोलते हैं क्यों कहीं हम भूल ना जाए तो इस तरह से जो है नबी सल्ला वसम जब जबरील पढ़ रहे होते आप धीरे धीरे चुपकी चुपकी ज़ुबान को हरकत देते अपनी ताकि उस उनके साथ वो भी पढ़ें और आप कहीं भूल ना जाए आपको डर था लेकिन अल्लाह ने बताया घबराने की बात नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है ए नबी ला तो हर रिक लिसा न कल ताजल भी ए नबी आप अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए ताकि आप कुरान को में जल्दी करें पढ़ने में लिताजल भी जबरील से आगे मतलब जबरील के साथ साथ पढ़ें इ न अलिना जमा हूँर्ना हमारे जिम्मे हैं क़ुरान का आपके सीने में जमा कर देना और आपसे पढ़वा देना फ़ादा क़राना हो फ्रना लिहाजा जब हम कुरान पढ़ें तो ए नबी आप कुरान को खामोशी के साथ सुनते रहिए फिर सुमैना बयान अब आयतें अल्फाज तो नाजिल हो गए जबरील ने पढ़ के सुनाया आपने सुना आपके सीने में जमा हो गया ठीक आप पढ़ोगे भी उसको ठीक लेकिन एक्सप्लेनेशन कि उस आयत के तकाज़े क्या हैं उसका मतलब क्या है उसकी तफसील क्या है सलेना बयाना उसका बयान भी आएगा वो भी हमारे ज़िम्मे है क़ुरान के अल्फाज का सीने में जमा करना लोगों को आप पढ़वा उसको पढ़ा के सुनाओगे ये भी हमारे ज़िम्मे और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना वो भी हमारे िमे हैं यम आयाती ही वही याकीीम वही आल मोहम्ल की आयतें पढ़ के भी सुनाओगे आप और समझाओगे भी उनको वो हमारे ज़िम्मे हैं तो इसकी तफ़ीम भी उसकी तहफीज तुम्हारे सीने में इसको जमा कर देना और उसकी तफ़ीम उसको समझाना दोनों हमारे ज़िम्मे हैं तो अल्लाह रब्लम ला ने ये ज़िम्मा नबी के लिए भी लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए भी लिया कुरान बाकी रहेगा आपके सीने में आपकी ज़िंदगी में रहेगा और उम्मत में आपके बाद रहेगा ये कुरान की खसूसियत है और जो नबी सल्ला वसम को अदा की गई नंबर सत्रह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी जी कलिम जवा में क़लिम किसको कहते हैं जाम बात कहना ऐसी बात कहना जिसके अल्फाज कम हों लेकिन वो सारी चीज़ों को शामिल किए हुए हो कोई चीज़ उसमें छूट ना जाए आपको दीन ऐसा दिया जिसमें कुछ छूटता नहीं अब देखिए मिसाल के तौर पर ड्रग्स के बारे में कुरान-सुन्नत में सराहत के साथ नहीं है आज आ, आज नशे की सूरतें कितनी हैं धुएँ वाले पीने वाले इंजेक्शन वाले और न जाने और कितने लेकिन उस जमाने में नशे की जो सूरत थी वो क्या थी शराब खम्र। अब कुरान अगर जमानी होता और नबी अलैहि वसल्लम की बातें अगर उस दौर के लिए खास होती तो ज़ाहिर बात है कि वो चीज़ें नहीं होती जो उसमें जो आज की जरूरत है लेकिन आप देखेंगे कि अगरचे सराहतन वो नहीं है, लेकिन ऐसी जाम तालीमत हैं कि उसके अंदर सब कुछ है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्र व खम्रिन हराम शॉर्ट एंड स्वीट मख्तसर तरीन अंदाज़ में आपने बताया क्या कहा कितनी प्यारी हदीस है खुल्लो मुस्करिन वुल्लुमर हराम हर नशा लाने वाली चीज खमर है जिसका कुरान में ज़िक्र आया है कि अल्लाह ने खमर को इन नम जो भी अल्लाह ने हराम किया फ़ाला अन तुम क्या रुकोगे कि नहीं तो अल्लाह ने जिसे रुकने के लिए कहा है खमर से इन जो भी जो भी अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि ये हराम है रिज्स है शैतान का अमल है तो कहा कि कुल मुस्किरन क़मर हर नशावर चीज़ ़मर है फिर क्या कहा वो वह खुलमरन हराम और हर ख़मर हराम है तो आज कोई भी सूरत से लेकर आ जाए नशा वाला आदमी धुएँ वाला इंजेक्शन वाला चबाने वाला निगलने वाला सोंगने वाला कुछ भी हो जितनी भी सूरतें हैं सब की सब इस हदीस की रोशनी में हराम हो जाती हैं हर एक का नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है ऐसी खुद एक अपने दर्श का उनवान है जैसे आप सल्ला और इसमें फरमा बिदातिन गल गार दीन में निकाली गई चीज हर चीज बिदायत हराम क्या है गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम चाहनम है जामे तरीन बातें एक जुमले में आप ऐसी बात बोल देते हैं जिसपे बहुत कुछ आ जाता है जिसको समझाते समझाते इंसान कहेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें क्या क्या बयान करूँ मैं जाम बात कि ऐसी बात जिसमें अल्फाज कम हो लेकिन मानी गहरे हों वसी हों ये जो सलाहियत है अल्लाह ताला ने रसूल अलैहि वसल्लम को दी थी और आपके कलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा आप देखिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया व इदा माँ वल्ला ضل कम व मा गवा कसम सितारे की जब वो ढले माँ वाहिब व म गवा तुम्हारे साहब तुम्हारे ये साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरकिन से खिताब है तुम्हारे जो साथी हैं जो तुम्हारे साथ मक्का में रहे हैं सालों साल व मा दल्ला साहिबुकुम, व मा गवा ये दलाल में मुबतला नहीं हुए हैं ना गिवाया में मुब्तला हुए हैं क्या मतलब है दलाल और गवाया दो चीज़ें हैं मा बल्ला साहिब व मा गवा बल्ला गुमराह होना बग़ैर के कहीं निकल गया भाई मालूम नहीं था वो समझ के गया कि ये रास्ता सही है वहाँ निकल गया रास्ता इधर था तो न जानते हुए गलत रास्ते पर निकल जाना इसको दलाल कहते हैं गिवाया किसको कहते हैं मालूम है ये रास्ता है नहीं लेकिन बाग यहाँ है फल यहाँ है मज़ा पिकनिक यहाँ पर है तो जो मंजिल वाला रास्ता है उसको छोड़ के आदमी लजत वाला रास्ता अपना है इल्म के बावजूद गुमराह होने को गवाया कहते हैं जो ख्वाहिश की बुनियाद पर होता है अल्लाह ने कहा माँ वल्ला साहिब कुम व ना मुहम्मद ना अलैहि सल्ला दलाल में मुतला हुए हैं कि उनको मालूम ही नहीं सही क्या है और न ऐसा हुआ है कि रास्ता जानने के बावजूद ख्वाहिश की बुनियाद पर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वामा गवाह ऐसा भी नहीं है वमा एमतवानल हवा और ये जो हमारे रसूल हैं ये ख्वाहिश की बुनियाद पर अमल तो दूर बात भी नहीं करते हैं वामा एमतान हवा इनकी तलीमत इनका कलाम चाहे ज़ाती हो या लोगों के अतबार से तालीमी हो वामा अंतवान हवा इनका कलाम ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं होता है बल्कि इन हुआ अ बल्कि एक वही होती है जो उनकी तरफ़ इल्का की जाती है उस वही की रोशनी में ये कलाम करते हैं और वही पेश करते हैं दोनों सूरतें हैं कि इनका जो कलाम है या तो बेनी ही वो क़ुरान को लोगों को पढ़ के सुनाते हैं रसूल से ही मिला या फिर जो बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ़ से आई हुई वही की बुनियाद पर बोलते हैं अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं चाहें ज़िंदगी में बोलें तो आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया पहले तो आपकी के बारे में नफ़ी की कि राह से गुम नहीं हो गए ये गुम राह नहीं है राह खोए हुए नहीं हैं दूसरे कहा कि ये जो है जानते बूझते मुनहरफ नहीं हैं सीधे रास्ते से ख्वाहिश की बुनियाद पर बल्कि अमला जिंदगी तो छोड़ो इनके कलाम की बात यह है कि इनका कलाम भी अल्लाह की तरफ से वही है और ये ख्वाहिश के बुनियाद पर बात भी नहीं करते हैं बात बहुत आसान होती है अमल मुश्किल होता है बात में आदमी उल्टा पुलटा कुछ भी बोल देता है का नहीं ये जो रसूल हैं इनके कलाम में वो बात नहीं है साहबी लिखा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बाद लोगों ने कहा देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं कभी गु़स्से में भी होते हैं कुछ भी बोल देते हैं सब लिखते हो क्या मत लिखा करो मत लिखा करो मैंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु और वसल्लम के पास गया अल्लाह के रसुल ऐसे ऐसा, ऐसा, ऐसा लोग बोल रहे हैं मुझको तो आपने फ़रमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है इस मुँह से सिवाय हक के कुछ और नहीं निकलता है लिख उक्तुब, लिख यानि मेरी हर बात लिख तो उन्होंने जो पूछा कि अल्लाह के रसूल लोग कह रहे हैं हर बात लिखना कि नहीं लिखना लिख इसलिए कि इस ज़ुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है मालूम कि रसूल अक्रम जो भी बोलते थे वो हक़ होता था ये बात अल्लाह ने रसोलकरमल को अता की है इसलिए आपकी अहदीस का भी अहतराम करना चाहिए कुरान तो है ही है वो तो अल्लाह का कलाम है वो रसूल सल्ला वम की ज़ुबान से हम तक पहुँचा लेकिन कलाम किसका है अल्लाह का क्यों क्योंकि रसोल अक्रमल्ला के रसूल हैं वो पहुँचाने वाले हैं वो कुरान के बनाने वाले नहीं हैं वह पहुँचाने वाले हैं कुरान अल्लाह ने नाजिल किया वाला का कलाम है का कलाम है तो अल्ला युहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाक़ूल बुरस्त बेजवाम मुझे जवाम के साथ मबूस किया गया है मुझे जाम कलाम देकर भेजा गया है जवााम कलम के बारे में कई बातें कही, बाते कही हैं उनमें से एक बात यह है कि कलिम से मुराद कुरान है और दूसरी बात एक ये ने कही कि इससे मुराद वो सलाहियत है जो अल्लाह ने आपको दी कि आप बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात बोल देते थे जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जमा कर लेती है जामे किस कहते हैं जामा मस्जिद क्यों कहते हैं सब जमा होते हैं जुमा क्यों कहते हैं जुमा है? है? के दिन सब जमा होते हैं तो वह जमा के माना में है जवााम ये कलिमात को जमा करने वाली सारी बातों को कलाम को जमा करने वाली चीज़ ऐसा कलाम जो कई शोबों को एक साथ जमा कर दे जो उस नौत के हों जैसे मैंने मिसाल दी कुलमर वाली या बिदात वाली या इस तरह की और कई जैसे आप देखिए इन नम आमाल बिनियात व इन नमाल कुल इम्मा क्या ये कितनी जाम बात है आमाल का मदार नीयतों पर है और हर एक वही पाएगा जिसकी उसने नीयत की मा ने कहा एक तिहाई पूरा आ गया इसमें बाद ने कहा आधा दीन आ गया है इसके अंदर बाज़ ने एक चौथाई कहा तो आप देखिए एक एक हदीस ऐसी है एक एक हदीस आप देखेंगे इतनी प्यारी हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें छोटा सा जुमला होता है लेकिन कितनी सारी जिंदगी की बड़ी गहरी हकीकतें उसमें छुपी होती हैं काश के हम लोग उसको समझने वाले बने काश के हमें उसकी क़दर हो तो कहा कि बोइ तो भी जवाब तीन ही लफ्ज़ हैं मुझे जाम कलाम देकर भेजा गया है यानी मुझे ऐसी सलाहियत दी गई है कि बहुत ही मैं जाम बात कह सकता हूँ जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट ले इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने और मुस्लिम ने रिवायत किया बुखारी में सात हज़ार तेरह पर यह हदीस मौजूद है तो ये ये जो है ये आ, आ, मैं मिसाल जो मैंने दी खमर वाली इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ज़मन में इसको कहा है बस मसला आ अबू मुसाशरी रदी अल्लाह कहते हैं काना रसोल सदिया जवा में बेखवा ही अल्लाह के रसूल सल्लाम को जाम मान बात कहने की सलाहियत दी गई थी जाम मान किसको कहते हैं जो उस नोत की सारी चीज़ों को समेट ले कोई चीज़ रह न जाए और जो उस नौत की ना है उसमें शामिल ना हो जाए इसको जाम माने कहते हैं जैसे किताबों की सारी किस्म तो किताब के बारे में सब आ गया उसमें दूसरी बर्तन नहीं आएंगे उसमें क्योंकि बर्तन किताब की कैटेगरी नहीं है लेकिन किताब की कैटेगरी में और जितना हो सब आ जाएगा एक मिसाल मैं दे रहा हूँ तो जामे उसको कहते हैं जो उस नौत की तमाम चीज़ों को जमा करते हैं और माने किसको कहते हैं जो उसके अलावा चीज़ को उसमें आने ना दे उसकी कैटेगरी में ऐसी चीज़ शरीक होने ना दे जो उसकी कैटेगरी की नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अल्लाह ने दी थी कि जाम माने बात कह सकते थे और कहते हैं कि आपको जाम क़लिम और क़लिम दिया गया था और आपने फ़रमाया अनहा अनकुल अस्कर असकान सलाह मैं तुम्हें हर उस नशा और चीज़ से मना करता हूँ जो नमाज से तुम्हें सुकरान में डाल दे नमा से तुम्हें बाज़ रख के नशे में डाल दे इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल अशरबाह में रिवायत किया है इससे बात मालूम होती है इबन हजर रहा फ़रमाते हैं का नम बिलकिलमूज अलकलीवी अल्लाह के रसूल सल्हसम एक मख्तसर सी बात कह देते थे जिसमें अल्फाज थोड़े होते थे लेकिन मानी बहुत ज़्यादा होते थे तो ये बात इबन हज रहा आ बारी में कही है तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि रसूल अक्रम कलाम भी बहुत जाम होता था और ऐसी कितनी सारी हदीसें हैं जिनको ने जमा किया और मुस्तकिल तलीफ़ा उनकी हैं इसी बाब में कि आप की बातें बड़ी जामे हुआ करती थीं और ऐसी सारी हदीसों को कोमा ने जमा किया है मिसाल के तौर तो पर आप अलबाउनविया देखेंगे तो उसमें इसकी कई हदीसों पर से हम लोग पढ़ रहे थे इसमें सारी तकलीफ देने वाली चीज़ों के बारे में बात आती शराला लोगों के एतबार से भी और शरीत के से भी कि शरीत में दरार नहीं और दरार भी नहीं तो ऐसी कई हदीसें हैं जिसके थोड़े से अल्फाज हैं दो तीन लफ्ज में होता है और वो बात जाम तरीन जो है हदीस होती है आगे बढ़ते हैं नंबर अठारह तहवील कबला अल्लाह रबालमीन ने रसूल अक्रम सम के लिए पिछले नबियों के कबिले को तब्दील कर दिया ऐसा कबला जो माजी के तमाम नबियों और रसूलों का कबिला था लेकिन रसूल अक्रम सम के लिए अल्लाह ने उसको जता कर बताया और आपके लिए किबला बदल दिया क्योंकि आपकी चाहत ये थी अल्लाह ताला फरमाता है कद नकल्लुबावज ही का फिसमाँ ए नबी हमने आपके चेहरे का आसमान में बार बार पलटना आसमान की तरफ उठना देख लिया फ़ल अनवल का तो लीजिए आपके लिए हम क़िबला वहीं फेर देते हैं जिसमें आपकी चाहत है आपकी रज़ा है आप राज़ी हो जाओ जिसमें आपकी रज़ामंदी है लीजिए हम उधर ही फेर देते हैं फवल वजह क शतल मस्जिद हराम तो अब आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की सिमत में कर लिया करें हैं नमाज के वक्त वै तुम कुन तुम फवल वजूह कुम शतरा देखिए अचानक जो है ये कुरान का अंदाज़ है आम तौर से बहुत सारी आयतों तो में आपको देखने मिलेगा खिताब था नबी से इसीलिए क्या कहा फ़ौल वजह कशत और मस्जिद हराम ए नबी आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए फ़ौर ख़िताब अब किससे हो रहा है सारे ईमान वालों से वाई तुम कुन तुम फोल वजूह शतरा और तुम सब मुसलमानों जहाँ कहीं हो तुम अपना चेहरा उसी समत कर लिया करो नबी से ईमान वालों को भी बताया कि नबी के ताब ईमान वाले भी होते हैं व इन लदीन ऊतुल किताब लिया अनहक़ में रब हीम और जिन लोगों को किताब दी गई थी अहल किताब यहूद नसारा उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये हक है उनके रब की तरफ से उन्हें मालूम है कि ये होने वाला था कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि यह नबी यहाँ आने वाला था अब यहाँ वाले नबियों का सिलसिला ख़त्म बनी इसहाक़ में सिलसिला ख़त्म अब बनी इस्माइल में नबी आएगा एक ऐसा नबी आएगा जिसकी ये 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 सिफ़ात होंगी तौरात में इंजील में तस्करा था आज भी बाइबल में है आज भी ओल्ड टेस्टमेंट में है तो ये नबी आने वाला उनको मालूम था कि ये इस तरह से होने वाला है कि यहाँ का मामला अब यहाँ चले जाएगा मरकज़ियत यहाँ होगी अब नबी सल्ला वहाँ पर

ए नबी हमने आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख लिया तो लीजिए अब आपकी जिस किबले में है हम आपके लिए आपको उसी किबले की तरफ फेर देते हैं इसमें रसूल के हाल का भी जिक्र है और रसूल की चाहत का भी जिक्र है और इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने किबला बदला आप के लिए आपकी ऱा के लिए तरद आप राज़ी हो जा वो कबलाम कर देते हैं मस्जिद हराम की तरफ कबला रसूल सल्ला वसम की चाहती और बार बार आप आसमान की तरफ देखते थे जिबरी आ हैं कभी तो फ़ैसला लेकर आए अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने फैसला नाजिल कर दिया है तो इसमें इस बात की भी दलील है कि आसमान से फरिश्ते नाजिल होते थे और अल्लाह की तरफ़ यानि अल्लाह के रसूल सल वसम रुजू करते थे कि अल्लाह फैसला नाजिल कर दे बरा इब्न आज़म रदी अल्लाह तरमाते हैं लम कदीम रसूल अल्लाह अलमदीना सल

काबा की तरफ़ फेर दिया जाए कबले के तौर पर फनजल्ल तद नरा तकल्लुब वजह कफमा फ़लन वलियबल तवा तो आपकी इस चाहत पर अल्लाह ताला ने आयतें ही नाजिल कर दी और फ़रमाया कि ए नबी हमने आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार पलटना देख लिया अब लीजिए हम आपको वहीं फेर देते हैं जहां आपकी रजामंदी है फव जीहा काबा तो आपको काबा की तरफ फेर दिया गया एक नुक्ता इसमें याद रखने का ये है कि जो लोग मुनक्रीन हदीस हैं वो इससे साबित ही नहीं कर सकते कि नमाज़ के लिए है उन्हें कही कि ठीक है आप क़ुरान को मानते ना तो आप एक काम करो फल्ल वजह का शतरमस्जिद अलहराम और वह हई तुम्हारा कुन तुम फवल वजूह कुम शतरा तुम दुनिया में जहाँ कहीं रहो अपना चेहरा किधर रखो मस्जिद हराम की तरफ़ रखो तो तुमको कम्पस की तरह हमेशा जो है अपना चेहरा उधर ही रखना पड़ेगा खाते वक्त जाते वक्त सोते वक्त हर वक्त हर वक्त तुमको अल्लाह का हुक्म है चेहरा किधर रखो काबा की तरफ़ मस्जिद हराम की तरफ कर सकते इसको बोल नहीं ये इसके लिए नहीं उसके लिए नहीं हदीस में तो है ना लेकिन तुम हदीस को नहीं मानते हो कुरान में किधर है कि ये फला चीज़ के लिए है कुरान में तो आम हुक्म है नमाज़ के बारे में ऐसा कुरान में नहीं है तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा या तो हदीस की तामील इस आयत की तामील जो हदीस में है उसको देखना पड़ेगा या फिर अपनी खुद ख़ुदसाख्त तवील इसको लेना पड़ेगा दो में से एक लेना पड़ेगा नबवी तामील क्या है या तो ये देखो नबी अलैहि वसल्लम ने और साहबा ने इस आयत पर कैसे अमल किया हदीस देखनी पड़ेगी या तो नबवी तामील देखोगे या फिर तावील देखोगे हमारी तफसीर उसमें ये है ये मतलब नहीं वो मतलब है तो तुम्हारी बात हम क्यों क्यों लें नबी की क्यों नहीं लेंगे हम हम नबी की लेंगे यानी तुमको भी समझाने के लिए तवील करने की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हम क्यों लें हम नबी का एक्सप्लेनेशन लेंगे हम सहाबा का लेंगे तुम कौन हो चौदह सौ साल बाद आके हमको समझा रहे क़ुरान का ये मतलब है तो आप किसी मुनकिर हदीस से मुनरी ने हदीस को अहले कुरान कहना अहले कुरान की बेइज्जती है इन्हें अहले कुरान नहीं कहना चाहिए उन्हें मुनकिर हदीस कहना चाहिए तो इस इस यानी आय से बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ़ बख्शा कि आपके लिए किबला अल्लाह ताला ने बदल दिया जो सदियों से पिछले नबियों का किबला रहा था और आपने पिछले दर्स में जैसे देखा वहाँ जा के आपने उनकी इमामत की थी तो ये एक यानी ऐलान था अब सरदार ये हैं अब सरदार ये हैं और सरदार या हाकिम किसी कौम का मुल्क का अगर किसी भी इलाके में जाता है तो वो वहाँ हाकिम होता है सुल्तान उसकी असल होती है उसके ताबे वो होता है जिसकी वहाँ सुल्तान है तो हाकिम जब जाएगा किसी मस्जिद में तो वहाँ हाकिम जो है ज़्यादा हकदार है अगर वो आलिम है वाकई तो वो ज़्यादा हकदार होगा वहाँ पे तो सुल्तान उसकी पूरी सुल्तान है तो कोई एक मस्जिद है उसका इमाम है वो भी उसके ताबे आता है अगर ये उससे ज़्यादा कुरान जानने वाला है तो तो नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसम बैतुलमक़दस में गए और आपने वहाँ उनकी इमामत की थी तो ये लोगों को मालूम था कि ये होने वाला है लेकिन वो छुपा और वही उनका काम था वल तलबिसबिल बा व तक तुम्ह का व अन तुम तमोन अल्लाह ने कहा तुम हक और बातिल को मिक्सअप मत करो और हक को छुपाओ मत जबकि तुम जान रहे हो हक़ को जानते हुए हक छुपाने के अंजाम को जानते हुए तुम उसको छुपाओ मत तो ये बात अल्लाह ने कही थी और ये कबले के बारे में है नंबर उन्नीस नबी सल्लम के फ़ायल में एक बात और है, वो ये कियामत के करीब जिसे अल्लाह ने कुरान की हिफाज़त का ज़िम्मा लिया और रसुलकरम सल्ला वम की तलीमत की हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ने किया इसी तरह से अल्लाह ताला ने आखिरी दौर में जब सबसे बड़ा फितना सबसे बड़ा शर दज्जाल आएगा तो मक् और मदीना दोनों में दाखिल नहीं हो पाएगा ये ख़ास इंतज़ाम सारे नबी डराते रहे दज्जाल से हर नबी ने दज्जाल से अपनी अपनी उम्मत को डराया ख़बरदार किया है नबी वसल्लम ने भी किया लेकिन आपके लिए ख़ास इंतज़ाम ये हुआ कि जब दज्जाल आएगा तो आपके शहर मदीना और मक्का को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा उसमें दाखिल ही नहीं हो पाएगा और बाज़ रवायात में आए कि बैतिलमकदस में भी दाखिल नहीं हो पाएगा तो अल्लाह ने आपके शहर का आपकी बस्ती का क़यामत तक के लिए उसकी हिफाज़त की है दज्जाल की फितने से वह महफूज रहेगा मदीना और मक्का और अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तु नबी सल्लाम से रिवायत करते हैं आपने फरमाया फ़रमायादिन तहू आ दाल कोई शहर नहीं जिसको दज्जाल रौंदता हुआ आगे नहीं बढ़ेगा सारे शहरों को रौंद देगा वो सब उसके यानी गोया के कदमों तले आ जाएंगे सब सब पे उसका गलबा और कब्जा होगा अला मदीना सिवाय मक्का और मदीना के सिवाय मक्का और मदीना के दज्जाल नहीं जा पे गाँव लहू लई से लहू मन इल्ला नकबन अलमलाफीना साफीना रोना मदीना के बारे में आपने फ़रमाया उसका जो भी दाखिले का दरवाज़ा होगा मदीना में उस पर फ़रिश्ते होंगे जो दज्जाल से उसकी हिफाजत कर रहे होंगे कयामत के करीब ये होगा मदीने के दरवाज़े जितने भी हैं उन दरवाज़ों पर फरिश्ते होंगे और दज्जाल दाखिल होने का इरादा भी करेगा तो मुश्किल होगा उसके लिए क्योंकि फ़रिश्ते वहाँ पर मदीना की हिफाजत कर रहे होंगे और इसी तरह से मक्का और बैतुलमकदस की भी तो इस हदीस को इमाम बुखारी ने मदीना में जिक्र किया और इमाम मुस्लिम ने अलफिता वशरात में और बुखारी में हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ इक्यासी पर यह हदीस मौजूद है तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि मक् और मदीना में दज्जाल नहीं जा पाएगा इसकी और तफसल एक हदीस में आई है अबू बकर फरमाते हैं नबी सल्हलम ने इशाद फरमाया ला यदलमदीन था और दाल दत दज्जाल तो बहुत दूर की बात है दज्जाल का ऱब उसका दबदबा भी मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा असर ही नहीं होगा मदीने वाले भी कुछ उसका डरो नहीं दज्जाल का रोइब दाखिल ही नहीं हो पाएगा लहा यौम इदिन सब एत अब्वाब उस दौर में उस दिन उस ज़माने में मदीना के सात दरवाजे होंगे बाबिन मलकान हर दरवाजे पर दो फरिश्ते होंगे हर दरवाज़े पर दो फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे दज्जाल उसमें एंट्री कहीं भी किसी भी दरवाज़े से नहीं कर पाएगा इसको इमाम अल-बुखारी ने इल-मदीना में ज़िक्र किया है हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की हिफाज़त न सिर्फ़ दज्जाल से हुई है बल्कि ताउन से भी की गई है आपने फ़रमाया कि ला यमदी चलमसी वाल मदीना में ना मसीह यानी दज्जाल दाखिल हो पाएगा और नान दाखिल हो पाएगा ताउन एक ख़ास कस्म की बीमारी है जिससे गले में या बगल वगैरह में फोड़ा निकल आता है और उससे आदमी बहुत पहले मर जाया करते थे प्लेग जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं और आम तौर से वो चूहों वगैरह के ज़रिए से वो बीमारी फैलती थी तो दज्जाल भी मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा और ताउन भी नहीं दूसरी वबा मदीने में आ सकती है लेकिन ताउन नहीं ताउन मदीने में नहीं आ सकेगा हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इसकी नफ़ी की है कोई और वबा या बीमारी मदीने में आ सकती है लेकिन तान अलग है और वबा अलग होती है हर वबा नहीं है लेकिन ताउन वबा होता है ये फ़र्क़ याद रखना चाहिए इमाम अल बुखारी ने किताब में इसको रिवायत किया है हदीस नंबर पाँच हज़ार सात सौ इकत्तीस और इमाम मुस्लिम ने किताबुल हज में इसको रिवायत किया है नंबर बीस और मैं समझता हूँ आज के लिए आखिरी बात शायद हो ये या इन और भी बातें हम देखेंगे नंबर बीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक फ़जीलत आपकी ये भी है कि आपकी बीवियों को अल्लाह ताला ने उम्मत की दीगर ख़वातीन पर एक ख़ास शर्फ बख्शा और इन बीवियों को सारे मुसलमानों की माँ बना दिया और किसी भी मुसलमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि के बाद आपकी बीवियों से निकाह करने को हराम करा दे दिया अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में फ़रमाया अन नबीयू अवला मिन वजवाजह व महातम नबी ईमान वालों के लिए उनकी जानों से बढ़कर उनके करीब हैं उनकी जानों पर काबिल तरजीह हैं व अजवाज़ जहू उमह हात हम बासताबई ने कहा कि नबी वसल्लम के बाप की तरह हैं इसके तफसर में क्या कहा मुजाहिद रहमत का कौल है जो इमाम अब ने जदबरीन रिवायत किया है कि अन अवला बिल अवला नबी ईमान वालों पर उनके मुकाबले में अवला हैं कहा कि उनके बाप की तरह हैं वह अजवा जहू उम और यह हदीस में भी आया है जिससे पहले हम देख चुके हैं कि आपने फरमा मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ तुम्हें सिखाता हूँ इमाम अबू दाऊदारा ने इसको रिवायत किया है तो अन नबीला बिलमोमी अनफुसिम व असवा जहू उमहत और नबी अलैहि वम की बीवियां ईमान वालों के लिए उनकी माँ हैं उनकी माँ हैं सुरतुल आयत नंबर छः इसकी तफसीर में अपने कसर रहमत है, फ़रमाते हैं वह असवा जहू उम महातुहम नबी सल्ला वसलम की बीवियाँ ईमान वालों के लिए उनकी माएँ हैं क्या मतलब है आई फिलहरमती वल वलराम व तो़ीर वल एगाम कहते हैं कि हरमत के अतबार से और के केतबार से दोनों चीज़ें हैं माँ से निकाह नहीं कर सकता इंसान हराम है और माँ की बेज़ती भी नहीं कर सकता उसका एहतराम करना पड़ेगा तो हरमत और अहतराम दोनों के एतबार से और इकराम और तो़िर और एवाम इकराम अच्छा सलूक करने के अतबार से इज्जत देने के अतबार से तो़ी उनकी उनका वक़ार बाकी रखने के अतबार से शर्फ़ उनका मानने उनकी यानि उनकी इकराम करने इज्जत करने के अतबार से एवाम के अतबार से उनको अजमत उनकी मानना वो मुझसे बड़े हैं इसको बात को मानना हमारे बराबर नहीं है माँ बराबर नहीं होती बड़ी होती हमसे तो उनकी तज़ीम उनकी तो़ीर उनका इकराम और हरमत और अहतराम इन तमाम चीज़ों के अतबार से ये क्या है मुसलमानों की माएँ हैं इन तमाम चीज़ों में अज़मत उनको अल्लाह तता की है अल्लाह ने फरमाया रसूल नुम अंत उदो रसो्लावीमा सूरत लाज़ाब आयत नंबर तिरपन अल्लाह ने फरमाया वमा का नकुम अंत उदो रसोल्ला तुम्हारे लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं है जायज़ नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाओ तकलीफ़ पहुँचाओ वला वला अंतन के हो अजवा जाहू अबदा और ये भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम आपकी बीवियों से निकाह करो यानी अल्लाह ने हराम कर दिया इसको इन नज़ा खुम खन ये अल्लाह के नज़दीक एक बड़ी संगीन चीज़ है कि नबी अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी जाए या नबी वसल्लम की बीवियों में से किसी से आपके बाद निकाह किया जाए और ऐसा ही हुआ किसी ने निकाह किया न आपकी अजवाज ने निकाह किया क्योंकि क्या आपकी तमाम बीवियाँ आख़रत में आपकी बीवियाँ होंगी हदीस में आप अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अलमर अथो आखिरी अजवा हा औरत अपने यानी आखिरी शोहर की बीवी होगी मसला एक औरत थी उसका निकाह किसी से हुआ उसकी शोहर की वफ़ात हो गई दूसरे से निकाह किया उससे तलाक हो गया तीसरे से निकाह किया उससे खुला हुआ फ़र्ज़ कीजिए और फिर किसी से निकाह किया एक दो तीन और चौथा निकाह उसका अब दोनों की वफ़ात हो गई दोनों जन्नत में गए वो पहले तीनों भी जन्नत में गए वो भी शौर था वो भी शोर था वो भी शोर था ये भी शोर था अब वो बीवी किसकी होगी वो भी तो जन्नत में जाएगी मालूम है कि जन्नत में, जन्नत में बीवी बीवी रहेगी जन्नत में बीवी बीवी रहेगी नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओ तुम कहीं भी चले जाओ ऐसा नहीं होगा बल्कि जोड़ा जो यहाँ है दोनों जब जन्नत में जाएंगे वो वहाँ होंगे वो भी वहाँ होंगे तो आपने फरमाया अब लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या कि तीन शोहर इससे पहले मौत तलाक खुला जुदा हो गई उनसे लेकिन थे तो शोहर अब ये भी शोहर इसकी निकाह में बाकी थी और मर गए अब आखिरत में किसकी बीवी बनेगी तो कहा कि जो आखिरी शोहर था उसका उसकी बीवी होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो आपके साथ होंगी और हदीसों में आया तफसील के साथ में तो अल्लाह ताला ने इसको भी हराम कर दिया कि नबी वसल्लम के बाद आपकी बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता बाद लोगों ने तावील पेश की कि आप ज़िंदा हैं इसकी अलामत है कि ज़िंदा की बीवी से निकाह नहीं कर सकते इसकी कोई दलील नहीं है अल्लाह ताला ने साफ़ एक तो हुक्म दिया दूसरा कि इन्हें मना किया कि नहीं कर सकते निकाह दूसरा अल्लाह ताला ने बता दिया कि वह अजवाज हो और महात हूँ कि आपकी बीवियाँ माँ हैं ईमान वालों की तो माँ से निकाह नहीं किया जा सकता है तो इस एतबार से आपसे निकाह नहीं करना है उससे हयात का ज़बरदस्ती का मसला लाना अगर कोई मानता है तो फिर शहीद की बीवियों से निकाह करना कैसे जायज़ हुआ शहीद भी तो अल्लाह के पास ज़िंदा हैं शहीद इकतसास है अल्लाह के नबी शहीद की बीवियों से निकाह करने के लिए तो ख़ास से आयत आईं फ़न के मकुबिन वबा जो भी ख़ातन तुम्हें पसंद आएँ उन से निकाह करो दो दो तीन तीन चार चार ये जो आयत आईं कैसे आईं ये जंग के बाद अहद की जंग में कत्ल हो गए कई सहाबा उनकी बीवियाँ पूरा माशरा ऐसा हो गया कि वहाँ पर कई घर जो है बेवाओं वाला हो गया यतीमों वाला हो गया तो फिर कहा गया कि अब निकाह करो इन औरतों से तो वो हल था उस समाज के लिए और घरों के बसाने के लिए तो शहीद तो जिंदा होता है वला तकुलमई मुख्तलूफी सभी अमात अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो तो वह तो ज़िंदा हैं बल अहिया अंदाराबीम बलया उन वला किला तशर कि जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शार नहीं तो ज़िंदा हैं उसकी बीवी से निकाह तो हो रहा ना तो यहाँ वो इल्लत ज़बरदस्ती लाना ठीक नहीं है एक नया अक़ीदा बनाना ठीक नहीं है हाँ अम्बिया अपनी कब्रों में हयात हैं बऱख़ी दुनियावी नहीं बरज़ी हयात हैं वो दुनियावी नहीं है शेखलब्बानी ने इसी को जिक्र किया और अहल यही बताया है तो आ, यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को दीगर ख़वातीन से अलग किया शर्फ़ के अतबार से भी और इस एतबार से भी कि वो मुसलमानों की माए हैं सारे मुसलमानों की माए हैं अल्लाह ताला ने रसूल अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब करते हुए भी एक बात कही अल्लाह ने फ़रमाया ना अनबीत अदिनसा सुरतल आयत नंबर बत्तीस ये शर्फ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सबकी बीवियां दूसरों से अलग हैं अल्लाह ने फरमाया, अल्लाया नबी की बीवियों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो लसत का दूसरी औरतों की तरह तुम्हारा मामला नहीं है तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो न शर्फ में नी में न शर्फ में न जिम्मेदारी में इन तक फला तखद नौली फुमा लदीफी मरब वकुल न कऊरूफ़ा अगर तुम वाकई अल्लाह से डरती हो बल्कि बाज़ ने इसको मुलहक़ किया पिछले से तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो अगर अल्लाह से तुम डरो लेकिन ज़्यादा मुनासिब है कि तुम हो ही नहीं दूसरी औरतों की तरह अल्लाह ने तुमको अलग किया है इन तकन्ना अगर वाकई तुम अल्लाह से डरती हो फ़ला तकबा न बिल्कुल तो बात में अपनी ऐसी नरमी और लचक पैदा न करना नरमी से ऐसी बात लोगों से नहीं करना मर्दों से फ़ला तखदा ना बिल्कुल फ़ैक्त मदीफ़ी कल बि मरव तो जिस आदमी के दिल में शहवत की बीमारी है कहीं वो तुम्हारे बारे में तबाह न करने लगे चाहत न करने लगे तुम्हारी नरम बात को सुन के वक़ुल न कौलमाफा बल्कि तुम बात करो तो मरूफ़ ठीक ठीक सीधी सीधी बात करो न जो अखलाक से गिरीवी सख्त हो न इतनी नरम हो कि लोगों के दिलों में चाहत पैदा हो वकुल न कअ मरूफ़ा सीधी साफ सुथरी मारूफ बात करो जो कायदे से हो वकनफी बोति खन्ना वला तबर्रज नबर्र जल जाहिल और अपने घरों में बैठी रही हो व कर नफी बुति खन्न वला तबर्रज न तबर्र जल जाहलीतिलऊला और जाहलीत में जैसे औरतें अपनी जीनत का मुज़ाहरा करती बाहर निकलती थी तुम ऐसा मत करना अल्लाह ने नबी वसल्लम की बीवियों को ख़ास शर्फ़ दिया हाँ इसमें से बहुत सारे अहकाम जो हैं वो तबईय में दीगर ख़्वीन के लिए भी हैं जो ख़ास नहीं उनके साथ पर्दा उनके साथ ख़ास नहीं कोई ज़बरदस्ती जोड़ कह दे कोई पर्दे की आयतें उनके लिए आई तो फ़लाँ हुकुम नबी के लिए आया नबी के ताबें हम हैं और ख़्वीन जो नबी सल्ला वसम की बीवियाँ थीं उनके ताबें मुसलमान हैं ये कि कुछ खसूसियत उनकी वह जैसे अल्लाह ने बताया वो माएँ यानी कि सारी औरतें माएँ हो जाएँ मुसलमानों की बल्कि वो क्या है नबी वसल्लम की बीवियां जो हैं ये सारी उम्मत की माएँ हैं वो अख्तसास है उनका वो अख्तसास है उनका वरना बाकी जो अहकाम उनके लिए आए जो तंबीह उनके लिए आई नहीं कि वह तो उनके लिए था हमारे लिए नहीं हम आज़ाद हैं ऐसा नहीं है अहकाम हमारे लिए भी हैं यानी हमारी ख़वात के लिए भी है तो ये अल्लाह ताली ने क़ुर करी में नसीहत की इसी तरह से आप सल अल्लाह वसम की बीवियों से अल्लाह ने फरमाया उनके लिए अजर का भी वादा किया यह खसूसियत है आप सल्लाम की कहा वमैक़नु मिन कन्न ला व रसूल ही व तमहन नतीहा मरतिन वहाम सोरेब आयत नंबर इकतीस अल्लाह ने फ़रमाया वमैकनुत मिन कन्सूल ही ए नबी की बीवियों तुमसे जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार हो जाए ये कनू इबन अब क़त फिल कुरआन ताह कुरान में जहाँ भी कनूत का ज़िक्र आया है उससे मुराद फर्मा बरदारी है कहा कि तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार हो जाए और नेक अमल करें और नेकमल करें करे, अज रहा मरतिन उसको हम दो, दो मरतबा अजर अता करेंगे दोगुना अजर देंगे वो आतद नालाहा रिस्कन करीमा और उसके लिए अल्लाह बहुत ही इज्जत वाला शर्फ़ वाला इकराम वाला रिस्क तैयार कर रखा है तो इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लासम की बीवियों के लिए आम औरतों के मुकाबले में डबल अजर का वादा किया है दोगुने अजर का वादा किया है और एक इज़्ज़त वाले शर्फ़ वाले रज़ का भी वादा किया है क़ाद रहम् फ़रमाते हैं मैं यूथ अमीन ला व रसुल ही वह आता दिना लहा रिजन करीमा वही अलजन्ना यहाँ जो कहा कि अल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह के करीम इकराम वाले रज़ का इंतज़ाम कर रखा है तो फरमाया कि इससे मुराद जन्नत है नबी वसल्लम की तमाम बीवियाँ जन्नती हैं आपकी बीवियाँ क्या हैं जन्नती हैं इसीलिए क्या कहा यह जन्नत है आपकी की बीवियों के लिए अल्लाह ने वादा किया तो ये आ, मैं समझता हूँ आज के लिए काफ़ी है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई बातें अता की उनमें से एक बात ये भी थी कि आपकी बीवियों को आम ख़वातीन पर एक खसूसी फ़दल और शर्फ़ अता किया गया और वाकई व हकदार थी इस चीज़ की और उन्होंने इस चीज़ को निभाया अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह रब्लम ने यानी उन बीवियों के बारे में अगरचे उनको नसीहत बहुत सारे मकाम पर की जैसे सारे यानी ईमान वालों को की लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बाकी रखा और ऐसा मौका भी आया कि आप सल्लल्लाहु सल असम कहा तुमको दुनिया चाहिए तो वो ले लो और मुझको छोड़ दो मुझसे अलग हो जाओ मुझको चुनना है या दुनिया को चुनना है तो उन तमाम बीवियों ने बिला खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है ये उनकी आजमत थी और फ़्र फाक़े के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमटी रहीं हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त की हतायशा के हदीस आप जानते हैं कि सोई रहती थी, थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के सामने जनाजे की तरह खुद फरमाती है मैं जनाज़े की तरह जैसा सामने होता है जनाजा सोई रहती थी नबी अलैहि वसल्लम तहाजुद की नमाज़ पढ़ते थे घर इतना छोटा था कि सदे करने के लिए जगह नहीं थी आप मेरे पाँव पर इस तरह से मार देते थे सदे के वक्त तो मैं अपना पाँव समेट लेती थी फिर आपलल्ला वसम सदे में चले जाते कितनी देर तक सद्दा करते थे अल्लाह के रोल्लम हमारी तरह थोड़ी था आपका सद्दा वैसे पैर समेट वैसी पड़ी रहती थी अपने कमरे में और फिर जब आप यानी सदे से उठते तो फिर कहती कि मैं अपना पाँव सीधा कर लेती थी रात भर में कितनी लंबी लंबी नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे कहाँ से नींद होती होगी ताय सर रदी अल्लाह तारा की सोची है लेकिन फिर भी अल्लाह के रसोल के साथ महब्बत के साथ इकराम के साथ इज़्ज़त और शर्फ़ के साथ और फर्माबरदारी के साथ जुड़ी रहीं और उम्म के लिए एक मुस्तकिलसाइक्लोपीडिया की ज़िंदा इंसाइलोपीडिया की शक्ल में बाकी रहीं पचास साल तक रसूल सम के बाद कितनी सारी हदीसी हमको हत्याशा ही से मिलती जो घरेलू ज़िंदगी की रसूल सल्ला वसम की और बाह अजवाज का भी आप देखिए तो ये बहुत बड़ी नमत है आप, आप सल्ला वम के अजवाज और उनका इकराम एहतराम करना चाहिए और ये उनका इकराम दरअसल रसूल सल वसम का इकराम है तो ये भी खसूस फ़ल है प्यारे रसूल सल्ला वम का और ये उम्मत की खातिन के लिए नमूना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की खुवात के लिए उसवा हैं तो अल्लाबालमीन हम सब को समझता फरमाएँ और प्यारे रसूल वसल्लम की तज़ीम की तोफीकदा फरमाएँ और आपका शर्फ और मकाम जानने की तोफ़ीदा फरमाएँ मज़ीद जो बातें हैं इन अगले दरस में मुकम्मल करेंगे अकोलह